morning, student. Class 4, ENV. Now you are in class 4. So welcome all of you in new session. See in the chapter 1 going to school. Let us meet some
बच्चों से और देखें कि वो स्कूल तक कैसे पहुंचते हैं. Here in this side written in rains so much where we live. It rains so much where we live. जहां मैं हम लोग रहते हैं वहां बहुत बारिश होती है. Sometimes after the rain, कभी कभी रेन के बाद बारिश के बाद there is knee high water everywhere. कभी कभी तो इतनी बारिश हो जाती है कि घुटनों तक नी हाई मतलब घुटनों तक जो है पानी भर जाता है. But that does not stop us from getting to school. लेकिन यह पानी के जमाव से हमारा स्कूल जाना बंद नहीं होता है. हम लोग स्कूल तो पहुंचते ही हैं. We hold our books in one hand. एक हाथ में हम लोग अपनी किताब को थामते हैं and bamboo with the other और दूसरे हाथ में एक बम्बू ले लेते हैं. बम्बू लेने से पानी का वो आपको ग्रिप भी रहेगा कितना गड्ढा है नहीं है वो पता चलेगा कि कितना पानी है. आप ऐसे बम्बू आगे रखोगे तो ज़्यादा है कि कम है तो चलने में आसानी होगी. एंड अदर हैंड वन बम्बू एक हाथ में किताब और एक हाथ में बम्बू. We quickly cross the bamboo and rope bridge to reach school. और जल्दी ही जो है bamboo bridge तक पहुंच जाते हैं क्योंकि रीखन है या कोई गड्ढा है या कुछ ऐसा है तो जल्दी ही bamboo bridge पे पहुंच जाते हैं. bamboo bridge को by the crossing bamboo bridge the all student reach their school. And see here in this book, try this. Collect some bricks. ब्रिक्स का मतलब ईंट होता है. यू नो ब्रिक्स का मतलब ईंट. कलेक्ट सम ब्रिक्स ले देम ऑन द ग्राउंड इन अ लाइन एज शोन इन द पिक्चर. जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया आपके बुक में तो ब्रिक्स को कलेक्ट करो और उसको ले मतलब बिछा दो नीचे एक लाइन में और ट्राई वॉकिंग ऑन देम. वॉक इट इजी और उस पर चलने कर कोशिश करो चलने की कोशिश करो. क्या ये इजी है चलना ब्रिक पे. ये इट वॉज वेरी इजी टू वॉक ऑन देम. आपको जब कहीं पे कीचड़ है कहीं पे पानी है आप ईंट पे पैर रख के पार करते हो है ना. ऐसा देखा गया है ना ऐसा करते हो ना आप लोग तो क्या वो बिछा देने से उसमें चलना इजी है. यस इट इज इजी यू नो. सो सेकेंड वन make a small bridge by tying four or five bamboo poles together. make a small bridge by tying मतलब बांध कर किसको बम्बूज को बांध कर एक स्मॉल ब्रिज बनाओ. ask your teacher to help you अपने टीचर की मदद करो लो और अपने फ्रेंड्स की मदद लो. now walk on your bridge और ये जो ब्रिज आपने बनाया How did you feel? अब पूछ रहे हैं कैसा आपने फील किया. Did you fall down? क्या आप गिर रहे हो गिर गए. Then if you walk like this a few times you will start finding it easy. शुरुआत में जब आप बनाओगे तो बम्बू ब्रिज पे चलना आपको कठिन लगेगा डिफिकल्ट लगेगा कि कैसे चले पाँव फिसल रहा है हो सकता है कभी कभार आप गिर भी जाओ. बट ट्राई अगेन एंड अगेन मोर टाइम इफ यू ट्राई इट विल बिकम इजी एंड फॉर यू. डू यू थिंक इट वुड बी इजियर टू वॉक ऑन दिस ब्रिज बेयर फुट. क्या आप सोच सकते हो कि इस ब्रिज पे बेयर फुटेड मतलब बिना चप्पल के खुले पाँव. बेयर फुटेड का मतलब होता है खुले पाँव विदाउट शूज और स्लीपर.
without shoes or slipper, with shoes or slippers. कहते हैं कि do you think it would be easier to walk on this bridge? क्या ये आसान होगा इस बंबू ब्रिज पे चलना without shoes or slipper or with shoes or slipper? क्या barefooted आसान है या चप्पल जूता पहन करके आसान है? Why? It is easier to walk barefooted because you get grip on that bridge. आपको grip मिलेगा उसमें चलने के लिए. अगर चप्पल या जूता होता है तो फिसलने का डर रहता है और grip नहीं मिलेगा. Grip को मिलना मतलब समझते हो ना, जैसे कि उसको पकड़ के चलना. Understood? Because the grip is stronger with bare foot. Then with shoes or slipper, you find the grip in barefooted. Instead of put on the slipper or your shoes. समझ में आई ना बात इतनी? Okay, next page, second number. The trolley. Every day we have to cross the river to get to school. Every day we have to cross the river to get to school. हर रोज हम लोग रिवर को पार करते हैं स्कूल पहुंचने के लिए. The river is wide and deep. जो नदियां तो होती है ज्यादातर आपने देखा ही होगा कि चौड़ी और बड़ी नदी होती है. कहीं कहीं पतली नदी भी संगीनी नदी भी देखने को मिलती है. द रिवर इज वाइड एंड डीप. देयर इज अ स्ट्रॉन्ग आयरन रोप. वहाँ पे उस ब्रिज पे स्ट्रॉन्ग आयरन रोप होता है, लोहे की रस्सी होती लगी होती है. अक्रॉस द रिवर, वो रिवर के चारों ओर उस पे जो है लोहे की रस्सी लगी होती है. On both the sides, it is tied tightly with strong trees or rocks. On both the sides, दोनों साइड है ये बंधा रहता है, जोर से बंधा रहता है एकदम मजबूती से. Trees or rocks, वो पत्थर को और trees को जोर से बांधे रहता है एकदम strongly, उसको बंधा रहता है. There is a trolley. An open box made of wood. Trolley क्या होता है? An open box made of wood यहाँ पे दिया है. Trolley को आप लोग जानते हो ना, कितनी बार आप लोग सफर में किए हो, कहीं जाते हैं मंदिर पहाड़ में तो ट्रॉली में बैठ के जाते हैं, और जो मॉल में जाते हो तो जो आप लोग सामान रखते हो दैट इज ऑल्सो ट्रॉली. जो बैग हम लोग ले जाते हैं अपने सफर में तो वो भी एक ट्रॉली है जिसको कि हम लोग खींच सके, जिसमें पहिया लगा होता है और खींच सके. हियर द ट्रॉली मीन्स रिटेन एन ओपन बॉक्स मेड ऑफ वुड. ये यहाँ बुक में लिखा है. ऐसे अभी ट्रॉली पैक भी आते हैं, ये ओपन पहले की बात है, ओपन वाला भी ट्रॉली कहीं कहीं अभी भी देखने को मिलता है. अटैच्ड विद द रोप, ये रोप से बंधा होता है, रोप से बंधा होता है जिसपे बैठ के जाते हैं हम लोग. आपको कहाँ अंबा जी जाओगे तो वहां देखोगे, फिर ये राजगीर जाओगे तो वहाँ देखोगे, फिर ये भी है पावागढ़ ना, बहुत सारे मंदिरों में जो ऊंची मंदिर बनी हुई है ना बहुत सारे, तो वहाँ पे नीचे से ऊपर पहले तो अभी भी लोग जाते हैं पैदल चल के. बट जिनको जो चलने में असमर्थ हैं या ओल्ड एज है तो उनके लिए ये ट्रॉली की सुविधा दी गई है ताकि वो जा सके मंदिर में, भगवान का दर्शन पा सके. Four or five of us sit in the trolley. You see that? You need four or five
जितने आप लोग गए ही होंगे तो वहां पे ट्रॉली में दिखता ही होगा, बैठे होंगे आप लोग। अब पुली हिप्स द ट्रॉली टू मूव क्रॉस द रो, टू मूव अक्रॉस द रो। अब पुली मतलब वही खींचने वाला, पुल करना मतलब खींचना होता है ना, तो दैट्स व्हाई द वर्ड इज पुली। वो जो पहिया लगा रहता है और जिससे खींचते हैं वो आपको हेल्प करता है उस ट्रॉली को वो क्रॉस करने में, रोप पे इधर से उधर आने जाने में। वी रीच द अदर साइड ऑफ द रिवर इन अ शॉर्ट टाइम, और हम लोग इससे बहुत जल्दी ही, इन शॉर्ट टाइम मतलब बहुत जल्दी ही हम लोग क्रॉस कर जाते हैं रिवर को। सेकेंड या आगे देखो, लेट अस डू ऑब्जर्व पिक्चर वन एंड टू। इन द पिक्चर चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। यहाँ जो आप लोग ग्रुप में है चिल्ड्रेन, दो चिल्ड्रेन है वो क्या कर रहे हैं, पानी खींच रहे हैं कुएं से, वेल से, वेल डब्ल्यू ई डबल एल, वेल बोलते हैं कुआं को, कुआं आप लोग ने देखा है ना। आप लोग चिल्ड्रेन आर पुलिंग द बकेट फ्रॉम द वेल। कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स। आप लोग देखो अपने ग्रुप में दोनों पिक्चर्स में क्या आप लोगों को डिफरेंसेस नजर आ रही है। एक में जो है वो आसानी से पुल कर रहा है, जिसमें कि वो ट्रॉली लगी हुई है, पुल्ली लगा हुआ है, वो पुल्ली ट्रॉली वो पुल्ली लगा हुआ है, जो खींचने वाला है ऐसे उसको पुल्ली बोलते हैं। जिसमें पुल्ली लगा हुआ है वो आसानी से खड़ा खड़ा खींच रहा है, और जिसमें पुल्ली नहीं है वो गहरे कुएं से एकदम ऐसे झुक के जोर से खींचा जाता है, तो वो ज्यादा मेहनत की बात है। सो सी हियर, कैन यू टेल द डिफरेंस इन बोथ द पिक्चर्स, विच वुड बी इजियर, कौन सा ज्यादा आसान है, यूजिंग द पुली और नॉट यूजिंग इट टू लिफ्ट थिंग। विथ पुली यू कैन लिफ्ट द थिंग इजीली, एंड विदाउट पुली इट इज यू फाइंड इट दैट इन दैट वर्क वेरी हार्ड, वेरी हेवी वर्क, आपको हार्ड लगेगा वो करना कोई भी काम। सो द चाइल्ड इज पुलिंग आउट द बकेट विथ हैंड्स hands, but first in first picture you can see the child is pulling out the bucket with hand, and in the picture number second he is using a pulley to take out the bucket. It is easier to lift the thing. With pulley you can find the thing become easier to lift. Look around you, where all do you see the use of pulleys? अब आप अपने चारों ओर देखिए कि आप कहाँ यूज कर सकते हो, कहाँ कहाँ पुली का यूज किया जा सकता है, लिस्ट दें उनका, आप एक लिस्ट बना लिखो। With the help of a pulley, try and lift various things. Various मतलब different things, several things, बहुत तरह के चीजों को आप पुली के सहायता से खींच सकते हो। एज शोन इन द पिक्चर, जैसा कि पिक्चर में शोन है, जैसे कि कभी आप किसी मेले में जाते हो या स्कूल वगैरह में भी फंक्शन होते हैं तो एक कर्टन लगा दिया जाता है और कुछ गिफ्ट उस साइड होते हैं और एक पुली लगा दिया जाता है और आपको उधर उसको वो फेंकना है वो रस्सी को, वो को, और देख उसमें एक हुक लगा होता है और बहुत सारे छोटे मोटे गिफ्ट रखे रहते हैं, उधर से कोई कोई भी गिफ्ट को आपको पिक करना है और फिर उसको लिफ्ट करना है पुली के सहारे से। पुली के सहारे से आप वो गिफ्ट को विन करते हो, जीत जाते हो, वो भी होता है। और सो मेनी थिंग यू फाइंड व्हाट यू सी अराउंड यू। वी कैन सी पुली फर्स्ट, you collect water from well to lift heavy thing, also you can lift heavy thing by pulley, जैसे कि कोई खदान है, कोई भी any heavy thing you can say, and to hoist flags, flag को जो hoist करते हैं तो पुली लगने से वो फटाफट फटाफट
पढ़ने के लिए ऐसे थी जो पहले उस तरह से होता था. And we are written about cement bridge. We often need to go across some water. हम लोग को जो है प्रायः है जाने की आवश्यकता वाटर के उस पार जाने की जरूरत पड़ती है. वाटर बॉडी सो वी यूज ब्रिजेस. इसलिए हम लोग ब्रिज का यूज करते हैं. These are made of cement, bricks and iron rods. The bridge may also have steps. Bridge बना है. अब river के उस पार जाना है मान लो तो थोड़ा सा ऊंचा से ब्रिज बनाएंगे ना. नदियां बह रही हैं तो थोड़े स्टेप्स भी होते हैं, सीढ़ी भी बनी होती है और फिर वो सीमेंटेड ब्रिज जैसा कि इस पिक्चर में आप लोगों को बुक में दिखाया गया है. इससे हम लोग को क्या पता चला कि सीमेंटेड ब्रिज जो है वो किससे बना होता है. सीमेंटेड ब्रिज को बनाने के लिए किस किस चीज की जरूरत, कौन कौन से मटेरियल यूज होते हैं. आयरन रॉड्स एंड कंक्रीट. सीमेंट ब्रिक्स आयरन एंड रॉड्स. सीमेंट ब्रिक्स आयरन रॉड्स यहाँ पे इतने लिखे हुए हैं. सीमेंट bricks, iron rods and some concrete you also add here. और बंबू के लिए क्या जरूरत होती है. some bamboos and rope है ना. रस्सी और बंबूज की सहायता से वो बांस के जो है ब्रिज बन जाते हैं. and the cemented bridge is you find safe. cemented bridge पे चलना आसान हो जाता है. ऐसे भी नदियां अगर नहीं भी है आप लोग रोड से कहीं जाते हो बाय रोड तो देखते हो कि ओवर ब्रिज है, अंडर ब्रिज है. दैट इज आल्सो ब्रिज ना. कि नीचे पानी नहीं है, रोड ही है बट ऊपर से है ना ओवर ब्रिज बना हुआ. तो दैट इज सीमेंटेड एंड यू फाइंड देयर वॉक इजीली. यू नॉट फील अफ्रेड टू वॉक देयर है ना. वहां पे आपको चलने में कोई कठिनाई नहीं महसूस होती है, डर नहीं लगता है. और बंबू वाले पे चलने से आप यू फील सम फियर. आपको डर जैसा भी लगता है कि कहीं फिसल न जाए या इस तरह की मीन्स की सेफ. आप बोल सकते हो कि ये ज्यादा सेफ है ना. तो ये सीमेंटेड ब्रिज इज सेफ, मोर सेफ देन द बंबू ब्रिज. डिफरेंसेस भी लिखने के लिए आता है कि बंबू ब्रिज और ये सीमेंटेड ब्रिज में डिफरेंसेस बताए. व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन बंबू ब्रिज एंड सीमेंटेड ब्रिज. तो बंबू ब्रिज इज आर मेड ऑफ बंबू स्टिक्स एंड रोप्स एंड द सीमेंटेड ब्रिज इज मेड फ्रॉम रोप आयरन रॉड ब्रिक्स सीमेंट एंड सम कंक्रीट्स. बंबू ब्रिज वीकर देन द सीमेंट ब्रिज एंड द सीमेंटेड ब्रिज इज स्ट्रॉन्गर देन द बंबू ब्रिज. एंड बंबू ब्रिज कैन नॉट बियर हेवी वेट. बंबू ब्रिज पे बहुत ज़्यादा हेवी ट्रक वगैरह भी नहीं चल सकता ना. बसें ट्रक चलाना प्रॉब्लम है और बहुत सारे भार को ढोना भी प्रॉब्लम है. और सीमेंटेड पे ये सब आसानी से हो जाता है. सीमेंट ब्रिज बियर द हेवी व्हीकल. यू सी ना इन ऑन द ब्रिज ट्रक कितने सारे ट्रक कितने हाईवे हैं वो सब सीमेंटेड ब्रिज हैं. तो सब आसानी से सब लोग आर पार होते रहते हैं. बिना मतलब खुले पांव, बिना
without shoes or slipper, trolley and open box made of wood. It is not the current nowadays, but you write down. This is written in your book. That's why. Trolley का मतलब कि जिसको हम लोग घुटका सकते हैं, पटिया लगा होता है. But some places you find the trolley, open box made of wood. Nowadays it is covered. Nowadays you find the trolley covered trolley. So no problem if you write this one and that one right. That is also right. Various means so many things, so many types, so many things or so many types. So many types you can also write. So many types. Okay. So ये first chapter आज खत्म हुआ. चलो अब इसको आप लोग reading डालना घर में और video को properly देखना. और okay सही है. चलो तब तक के लिए bye bye and stay.